हेलो गुड इवनिंग कैसे हो आप सभी आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे आज करेंगे हम अपना बी पी का यूनिट इलेवन जिसका नाम है कंपेरेटिव प्रस्पेक्टिव ऑन फिटविलिज्म ब्राज़ील एंड नाइजीरिया ठीक है जैसे इसका नाम बड़ा है तो ये चैप्टर भी थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही छोटे उसमें है ठीक है मतलब सब टॉप टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक है थोड़ा सा लेंथी हो जाता है ये हमारे प्रीवियस यूनिट को देखें तो अगर हम कंपेयर करें तो ठीक है लेकिन हम किस लिए बैठे हुए छोटा कराने के लिए ठीक है तो छोटा करके हम पढ़ लेंगे और वन शॉट के अंदर पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो चैप्टर क्या बोलता है चैप्टर बोलता है कि देखो जी जो फिडवेलिजम है ना पहले आपको ये समझने का फिडवेलिज्म क्या होता है आई होप सबको पता ही होगा नहीं पता है तो भी मैं, आप, मैं आपको पढ़ा दूंगी ठीक है अब ये बताते हैं कि देखो ब्राज़ील के अंदर भी फिडवेलिज्म है ठीक है और नाइजीरिया के अंदर भी क्या है फिडवलिज्म है तो इन दोनों के फिडवेल स्ट्रक्चर को कंपेयर करने का ठीक है ब्राजील हमारा कहां पे है साउथ अमेरिका के अंदर है ये आपको लोकेशन हमेशा पता होनी चाहिए कहां पे है साउथ अमेरिका के अंदर और नाइजीरिया हमारा कहाँ पर है वेस्ट अफ्रीका के अंदर ठीक है तो ये एक बार लोकेशन आप ले देख लेना तो आज हमारे कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं पहले आपको फिडवलिज्म को समझना है अगर आप किसी चीज को कंपेयर कर रहे हो और आपको वही नहीं पता कि कंपेयर क्या करना है ठीक है तो क्या झंझट हो जाएगी ना तो इसलिए फिडवलिज्म को समझना है अगर हम फिडअल स्ट्रक्चर को कंपेयर कर रहे हैं तो पहले टॉपिक क्लियर होना चाहिए ठीक है ब्राजील के अंदर कैसा है ठीक है फिर उसके बाद नाइगेरिया के अंदर कैसा है देन इसके बाद कंपेयर करने का ठीक है तो पूरे चैप्टर में आपको चार टॉपिक के ऊपर ध्यान देना है. फेडरलिज्म क्या होता है ब्राजील नाइजीरिया और कंपेयर ठीक है तो छोटा सा ये आपका चैप्टर है ओके okay जी तो फिटवलिज्म की अगर हम बात करते हैं फिटवलिज्म एक सिस्टम है किसका सरकार का किसका सरकार का गवर्नमेंट का जहाँ पे जो पावर होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं ठीक है मतलब जो हमारी सरकार है उसकी पावर को हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं ठीक है हमने कोई ऐसा नहीं करा है कि एक सेंटर गवर्नमेंट को चुन लिया है और उसी को पूरी पावर दे दी है ऐसा नहीं है ठीक है हमने क्या करा है जो सरकार की पावर है उसको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है ठीक है एक जगह सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी है एक जगह स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया और कुछ हमने लोकल गवर्नमेंट को दे दिया है ठीक है तो इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं फिडवलिज्म ठीक है इसको क्या बोलते हैं फिडवलिज्म जहां पर किसी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास क्या नहीं होती पावर नहीं होती सारी ठीक है पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ठीक है जी ओके तो कुछ फीचर्स होते हैं किसके फिडविलिज्म के पहला फीचर होता है डिवाइडेड पावर भाई सिंपल वो खुद ही बोल रहा है कि पावर को डिवाइड करना है ठीक है जब पावर को ही डिवाइड नहीं किया जाएगा तो काहे का, का फिडवेलिज्म तो पहले क्या करना है पावर को डिवाइड करने का है ठीक है क्या करना है जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी कंट्री को चलाने की उसको शेयर करना है ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पूरे देश को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे नहीं भाई एक सरकार नहीं देख सकती क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है आज के टाइम पे इंडिया के अंदर क्या वो आपके गाँव में आके देखती है शहर में आके देखती है नहीं कहां पे रोड खराब हो रहा है कहाँ पे स्कूल नहीं है ये सारी चीजें कौन देखता है वहां की लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है ना सेंटर गवर्नमेंट थोड़ी ना इतनी सारी चीजें संभाल सकती है तो इसलिए क्या करा जाता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिवाइड कर दिया जाता है ठीक है रिटर्न रूल्स अब एक कॉन्स्टिट्यूशन भी तो होना चाहिए ठीक है कल को सेंटर की स्टेट से बात जाएगी वो बोलेगी कि देखो ये मुझे करना है ये तुम्हें करना है ऐसे थोड़ी नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा होना चाहिए कि क्या स्टेट गवर्नमेंट को करना है और क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है ऐसी क्या चीज है जो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी क्या कभी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो करेंसी को चेंज करती है नहीं एक ही करेंसी है पूरी इंडिया की तो करेंसी को चेंज करने का काम किसका है सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना इसको कौन संभालती है सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है हरियाणा के अंदर सेम करेंसी है पंजाब के अंदर सेम है कहीं भी चला जाओ पूरे इंडिया के अंदर ठीक है लेकिन वहां पे गवर्नमेंट तो अलग है ना तो फिर क्या है कि रूल लिखो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी ठीक है ये वो हमारा सेकंड फीचर अगर हम बात करते हैं थर्ड फीचर की तो इसमें बोला जाता है जुडिशरी का भी रोल होना चाहिए ठीक है अब एक जगह तुम्हारे लिए तुमको बता दिया गया है कि इस इस इंसान को ये काम करना है चलो कॉन्स्टिट्यूशन भी बना दिया है ठीक है लेकिन क्या पता कल को गवर्नमेंट ना माने गवर्नमेंट अब नहीं मनमानी करे है ना तो कोई देखने वाला भी तो होना चाहिए तो वो कौन करेगी हमारी जुडिशरी करेगी ठीक है जुडिशरी बताएगी कि स्टेट गवर्नमेंट आप करेंसी को चेंज नहीं कर सकते हो आप दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हो ठीक है तो ये कौन बताएगी जुडिशरी बताएगी ठीक है क्योंकि जुडिशरी का काम है कर, पूरी उसके अंदर सोसाइटी के अंदर देखना कि जो रूल्स है उनको ठीक से, से फॉलो तो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा ठीक है तो ये तीन फीचर्स हुए होप आपको समझ में आए होंगे आगे चलते हैं अगर हम ब्राजील के फिटीजन की स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि कैसा था ब्राजील ठीक है ब्राजील के बारे में हमने कल भी पढ़ा था तो थोड़ा बहुत तो वैसे भी जानकारी है लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो हमको पता है कि ब्राज़ील पहले एक कलोनी रहा था किसकी पोर्तुगल की ठीक है पोर्तुगल ने क्या करा था उसको कंट्रोल करके रखा था अब आपको ये बताना है कमेंट सेशन के अंदर कि कितने साल तक कंट्रोल किया था उन लोगों ने कल ही बताया था कितने साल तक कंट्रोल किया था ठीक है जी फिर उसके बाद क्या होता है एटीन को जो ब्राज़ील है उसको इंडिपेंडेंस मिल जाती है ठीक है जी आज़ादी मिल गई बहुत बढ़िया लेकिन उस टाइम पर एक राजा था ब्राजील का ठीक है अब उस एम्पायर का नाम था एम्प्रर डॉग त्रिदो ठीक है तो ये क्या बोलता है जो ये एम्पायर है स्टाब्लिश करता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोना की वो बोलता है कि चलो भाई ठीक है हमको आजादी मिल गई बहुत बढ़िया लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक संविधान बनाऊंगा ठीक है और उस संविधान के हिसाब से मैं पूरे देश को चलाऊंगा ठीक है बहुत बढ़िया है लेकिन जो पूरी पावर थी वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी ठीक है पूरी पावर किसने कब जा रखी थी राजा ने ठीक है अब क्या होता है जब पूरी पावर राजा के पास है तो काहे ही की आजादी है ना तो उसके बाद होता है मिलिट्री कोप पहले भी पढ़ा था मिलिट्री रिजाइन होता है ठीक है 1889 को क्या होता है मिलिट्री वहां पे राजा की जो शासन था उसको हटा के अपना खुद का रूल जमा लेती है ब्राजील के अंदर ठीक है अब ब्राजील कैसा देश बन जाता है प्रेसिडेंटल रिपब्लिक ठीक है अब वहां पे कोई राजा वगैरह नहीं है ठीक है अब वहां पे कौन रूल कर रही है मिलिट्री ठीक है फर्स्ट रिपब्लिक में क्या होता है वहां पर फिडवेलिज्म को इंट्रोड्यूस कराया जाता है ठीक है क्या होता है पहली बार फिडवलिज्म को इंट्रोड्यूस कराया जाता है अब यहाँ पे जो स्टेट थी उनको पावर दी जाती है ठीक है, उनको पावर दी जाती है ठीक है जी लेकिन अभी भी क्या था जो सेंटर था उसको फेवर किया जा रहा था कि सेंटर गवर्नमेंट को ज्यादा पावर देनी चाहिए जो सिस्टम है उसको ज्यादा सेंट्रलाइज बनाओ ठीक है स्टेट को ज्यादा पावर मत दो सेंटर को ज्यादा पावर दो ठीक है अब क्या होता है जो मिलिट्री कोप थी नाइनटीन के अंदर वो ज्यादा सेंट्रलाइज कर देती है ठीक है क्या कर करती है ज्यादा सेंट्रलाइज कर देती है सिस्टम को अपने हाथ में ज्यादा क्या कर लेती है पावर को कब्जा लेती है ठीक है और यही सिस्टम हमारा नाइनटीन तक चलता है ठीक है तो देखा आपने कैसे वो पोर्तुगल ने उनके ऊपर रूल किया पोर्तुगल चले जाते हैं तो राजा ने रूल किया राजा चले जाता है तो उसके बाद मिलिट्री आ जाती है ठीक है और मिलिट्री क्या कर रही थी पूरी पावर सेंट्रलाइज कर रही थी ठीक है देन इसके बाद क्या होता है अब यहाँ पे डेमोक्रेटिक फलिज आता है ठीक है नाइनटीन एटीज में जो मिलिट्री है वो अलो कर देती कि अब क्या होंगे डायरेक्ट इलेक्शन होंगे स्टेट गवर्नमेंट चुन के आएगा ठीक है पॉलिटिकल पार्टी भी इलेक्शन करेगी ठीक है अब ये थोड़ा सा इलेक्शन वगैरह आ जाता है डायरेक्ट इलेक्शन करने की वो बात कर देते हैं ठीक है अब क्या होता है फिर उसके बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन यहीं पर स्टैब्लिशमेंट होती है किसकी डेमोक्रेटिक रिजाइन की ठीक है डेमोक्रेसी आती है थोड़ी बहुत नाइनटीन में

ठीक है सब चीजों को अब ये क्या कर रहे हैं हैं ठीक है अब इन्होंने फिडवे स्ट्रक्चर को बढ़ा दिया है ठीक है अब हम देखते हैं कौन कौन से मतलब फीचर्स है स्ट्रक्चर कैसा है ब्राजील के अंदर क्योंकि असली वाला फिडवे स्ट्रक्चर कहाँ पे आया है अब आया है ना कॉन्स्टिट्यूशन तो इनका अब बना है डेमोक्रेटिक पहले तो मिलिट्री आजा वाजा क्या करते होंगे तो है ना तो अब यहां से आई है अब जो ब्राज़ील है वो अपने आप को ऑफिशियली क्या बोलता है फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील वो बोलता है कि मेरे यहाँ पे ट्वेंटी सिक्स स्टेट है ठीक है और हर एक डिस्ट्रिक्ट का वो नाम लेता है ब्राजीलिया ठीक है उसमें पांच हजार म्यूनसिपलिटीज काम करती है ठीक है कितनी है पाँच हजार म्यूनसिपलिटीज है ठीक है और इस कंट्री के अंदर फॉलो होता है थ्री टायर सिस्टम जैसे हमारे यहाँ पे थ्री टायर सिस्टम है ना स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट ठीक है ऐसे ही वहां पे है ठीक है जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका हेड कौन गवर्नमेंट का हेड है गवर्नर लोकल गवर्नमेंट के म्युसिपल मुंसिपलिस और माओर्स ठीक है तो ये वाला सिस्टम सेम बिल्कुल हमारे जैसा है ठीक है तो इसमें इतना कोई झंझट वाला ये यादवाद करने की भी जरूरत नहीं है पता है आप लोगों को और लॉ बनाने की पावर को भी डिवाइड कर करे ठीक है कि कानून कौन कौन बनाएगा तो उसमें भी इन्होंने एक्सक्लूसिव जॉइंट और करंट कैटेगरी बनाई है कि इस इसके ऊपर हमारी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी इन इन चीजों के ऊपर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी ठीक है पावर को क्या कर रहा है शेयर कर रखा है ठीक है जी अगर हम वाक्य को देखें कि जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूट करने का टैक्स लेने का जो पावर है वो कैसे फिटवेजम है ब्राजील जो कि हाईली है क्या है है हाईली यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है पब्लिक के ऊपर ज्यादा स्प्रेंड करती है क्या करती है ज्यादा स्प्रेंड करती है स्टेट और म्यूनसिपलिटीज जो है उनको पावर दी है कि वो डिसाइड करेगी कि कैसे फंड को क्या करना है यूज करना है ठीक है और कैसे उनसे लेना है मतलब सेंटर और स्टेट सॉरी म्यूनसिपलिटीज और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ये पावर है टैक्स लेने की ठीक है तो देख रहे हो कितनी सारी पावर दी हुई है ठीक है और जो ये डिसेंट्रलाइज है ना जो इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को और म्यूनसिपलिटीज को इतनी पावर दे रखी है ना इससे क्या होता है जो सर्विसेज होती है लाइक एजुकेशन हेल्थ केयर ये बहुत अच्छी डिलीवरी मिलती है लोगों को ठीक है क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट तो जा जाके नहीं देख सकती है ना हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो तो ऊपर का देखेगी सिर्फ ठीक है तो इन्होंने नीचे दिया पावर ग्राउंड लेवल पर डेमोक्रेसी लेकर आए तो बहुत बढ़िया चल रहा है एजुकेशन भी है ठीक है।, है लेकिन अगर हम चैलेंजेस की बात करें कि जो ब्राजील है उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं पहला तो है कि हिस्टोरिकल डिस्पैरिटीज पहले नहीं था पहले राजा था मिलिट्री थी तो थोड़े से चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े हैं ठीक है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ब्राजील के अंदर जिसमें जो रिप्रेजेंटेशन है वो अनइक्वल है ठीक है सब जगह सेम नहीं है रिप्रेजेंटेशन क्या है अनइक्वल है सभी लोगों को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है और अगर हम टैक्स की बात करें वो ओवर स्पेंड हो जाता है ठीक है जब तुम स्टेट को भी पावर दे रहे हो म्यूनसिपलिटीज को भी पावर दे रहे हो सेंटर के पास ऑलरेडी पावर है तो भाई टैक्स कितना ज़्यादा बढ़ गया है टैक्स जो कॉम्पिटिशन है वो ज़्यादा बढ़ रहा है ठीक है तो ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और उसके बाद जो फिडवल्स गवर्नमेंट है वहां की वो ट्राई करती है कि जो टैक्स का डिसिप्लिन है वो क्या रहे रिस्टोर रहे ठीक है तो उसके लिए वो काफ़ी मेजर लेती है जैसे कि वहां पे एक लॉ बनाया गया है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ ठीक है अंदर रिस्टोर करने की बात की जाती है बैलेंस करने की बात की जाती है ठीक है तो ये था हमारा किसका? ब्राज़ील का। नाइजीरिया की नागेरिया जो के वेस्ट कंट्री है, और वो इंडिया की तरह ही ये क्या है डाइवर्स कंट्री है लैंग्वेज के बेसिस पर रिलीजियस के बेसिस पर यहां पे भर भर के आपको डाइवर्सिटी मिल जाएगी ठीक है यहाँ पे फेडरल सिस्टम कब आता है जब ये अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं 1954 के अंदर लेकिन जब इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उस टाइम पर ब्रिटिश लोग इनके ऊपर कब्जा बनाए रखे थे ठीक है तो ब्रिटिश जब रूल कर रहे थे तभी इन्होंने अपना संविधान बनाया ठीक है जी लेकिन इनको आजादी कब मिलती है आजादी मिलती है इनको नाइनटीन में ठीक है ब्रिटिश के चुंग से क्या करते हैं बच जाते हैं ठीक है छूट है? जाते हैं तो उसके बाद ये क्या करते हैं फॉलो करते हैं अपने हाँ यहां एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस लेकर आने की और मिलिट्री रूल ये कर दी गड़बड़ी मिलिट्री लेकर आ गए लो हो गया आप देखना जहां पे मिलिट्री रूल लग गया सोचो समझो गई बात ठीक है डेमोक्रेसी भी और मिलिट्री भी चलो भाई अब नाइजीरिया को ट्रांजेक्शन करा जाता है किसमें अब हमारी मिलिट्री है तो सिंपल सी बात है चीजें क्या होंगी सेंट्रलाइज होगी मिलिट्री क्या करती है डिसेंट्रलाइज से चीजों को किस तरफ लेकर आती है सेंट्रलाइज पे ठीक है वो ज्यादा पावर करती है किसको सेंट्रलाइज को देने की अब इस वजह से क्या होता है कंट्री के अंदर सिविल वॉर होता है 1967 से लेके 1970 तक सिविल वॉर ही चलता है ठीक है क्यों क्योंकि पावर दी जाए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर दी जाए किसको फिडरल लेवल पर ठीक है बाटी जाए भाई सेंट्रलाइज को पावर नहीं चाहिए लोगों को ठीक है वो बोलते हैं हमको इतनी स्ट्रांग या इतनी ज्यादा पावर नहीं देने की है ठीक है देने इसके बाद क्या होता है अगर हम वहां की इतर एथनिक उसकी बात करें रिलीजियस डाइवर्सिटी की तो वहां पे अलग अलग ग्रुप रहते हैं जैसे इगोबो यूराबा ठीक है हाउस ऑफ फलानी ठीक है एक बार देख लेना आप ये क्या नाम है हौसा फलानी ठीक है ये काफ़ी जानी मानी क्या है यहाँ की एथनिक ट्राइब है ठीक है जी और रिलीजियस के वहाँ पे भी देखें तो मुस्लिम रहते हैं नॉर्थ में और क्रिश्चियंस रहते हैं साउथ में ठीक है तो देख सकते हो कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है क्या आप हर किसी को भाई रिप्रेजेंटेशन तो मिलना चाहिए फिडवलिज्म तो होना चाहिए ना ऐसे नहीं चलेगा कंट्री तो क्या होता है जो नाइगेरिया है वहाँ पर फिडवल रिपब्लिक आता है ठीक है और वहाँ पर थर्टी स्टेट्स हैं

वो हमारा लोकसभा ऐसे ही यहाँ पे दो हाउस है लोअर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव और अपर हाउस को बोलते हैं सीनेट ठीक है और आपको मुझे ये बताना है ब्राजील के अंदर जो अपर हाउस है उसको क्या बोला जाता है जो लोअर हाउस है उसको क्या बोला जाता है हाउस ऑफ द कॉमन सुना होगा थोड़ा सा हाउस ऑफ द लॉर्ड्स ठीक है ऐसे आंसर मैंने ही बता दिया ठीक है ये चीजें कनेक्ट करके पढ़ो कि वहां पे क्या बोलते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं रिवीजन भी होगा चीजें समझ भी आएंगी नाइगेरिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट है ठीक है जो कि हाईएस्ट अथॉरिटी है फिटबल कोर्ट भी है स्टेट लेवल पर कोर्ट भी है जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना हाई कोर्ट ठीक है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सेम हमारी तरह है ठीक है कुछ नया तो हमको पढ़ने के लिए नहीं मिला यहाँ पे फंक्शन की बात करें तो फंक्शन कैसे करता है इन नाइगेरिया का जो फेडरलिज्म है ना वो ज्यादा क्या है सेंट्रलाइज है इन्होंने यहाँ पे जो ज्यादा पावर दी हुए किसको दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसा ही है हमने ज्यादा पावर किसको दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है ठीक है इतनी पावर हमने स्टेट को नहीं दी है ठीक है उसके पीछे रीजन थोड़ा सा अलग है लेकिन हमने पावर किसको दिया ज्यादा सेंटर को ऐसे नाइजीरिया ने दे रखी है लेकिन ब्राजील के अंदर था नहीं था ठीक है अब क्या है कि जो यहाँ पे टैक्स को लेकर है इम्बेलेंस है टैक्स को लेकर क्या है इम्बैलेंस है चीजें फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ठीक है और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कि कौन ज्यादा रिसोर्स को कंट्रोल करेगा कौन ज्यादा रिवेन्यू लेगा इसके ऊपर थोड़ा सा क्या चलता रहता है आपस में मतभेद चलता रहता है इलेक्शन होते हैं लेकिन फ्रॉड होते हैं इरेगुलर होते हैं ऐसा नहीं होता है कि हर पांच साल में इलेक्शन लेते हैं नहीं अगर इलेक्शन होते भी है तो फ्रॉड होते हैं ठीक है और एथनिक और रिलीजियस डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा है बहुत सी ऐसे मिलिट्री ग्रुप है जो डिमांड करते हैं कि हमको ज्यादा पावर दो रिसोर्स कंट्रोल करने की सॉरी मिनियोरिटीज ग्रुप ठीक है तो रिप्रेजेंटेशन भी इतना नहीं है यहाँ पे ठीक है तो हमने क्या देखा ज्यादा कमी तो यहाँ पे है ठीक है क्योंकि यहाँ पे चीजों को ज्यादा सेंट्रलाइज कर रखा है डिसेंट्रलाइज नहीं है इतना ठीक है अब हम कंपेयर करते हैं वैसे तो सारी चीज़ें पता चल गई कहाँ बेटर चल रहा है कहाँ क्या चल रहा है तो कंपेयर करने में बहुत ईजी रहेगा अगर हम कंपेयर करते हैं नाइगेरिया के और ब्राज़ील के फिटबल स्ट्रक्चर को तो हमने देखा जो ब्राज़ील का सिस्टम है वो ज़्यादा क्या है डिसेंट्रलाइज है उन्होंने ज़्यादा पावर दे रखी है अपनी स्टेट गवर्नमेंट को और म्यूनसिपल गवर्नमेंट को तभी तो वहाँ पे एजुकेशन हेल्थ केयर ये जो सर्विसेज है ये अच्छे से मिल पा रही है लोगों को ठीक है नाइजेरिया के अंदर हमने देखा ज्यादा क्या है क्या है सेंट्रलाइज सिस्टम है वहां पे स्टेट्स को बहुत कम ऑटोनॉमी मिली है इतनी पावर नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के पास ठीक है अगर हम वहां पे दोनों के अंदर क्या देखें अथॉरिटी इन रूल देखें तो हां दोनों में था मिलिट्री रिजाइम उसमें भी हुआ मिलिट्री इसमें भी हुआ ठीक है मिलिट्री इसमें भी है ठीक है जो फिडवलिज्म सफर करती है दोनों वहीं पे ठीक है दोनों कंट्री के अंदर मिलिट्री रूल लगा था ठीक है सेम वही है ठीक है लीडिंग पावर डी जहां पे ज्यादा पावर दोनों उसमें ठीक है जो वहां पे मिलिट्री लगी मिलिट्री का रूल आया नाइगेरिया के अंदर और ब्राजील के अंदर तो किस जो पावर थी और रिसोर्सेज को उनको ज्यादा क्या कर दिया सेंट्रलाइज कर दिया ठीक है तो वहां पे जब मिलिट्री रूल आती है उसका इम्पेक्ट क्या होता है कि सेंट्रलाइज कर दिया चीजों को ज्यादा ठीक है Then इसके बाद अगर हम टैक्स की बात करें तो सिंपल सी बात है ब्राजील के अंदर हमने देखा कि लोकल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास है रिसोर्स को मैनेज करने का पावर है वो इम्पावर करने की बात करते हैं वो अपने स्टेट को ऊपर उठाने की बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट को ऊपर लेकर आने की बात करते हैं ठीक है लेकिन नाइगेरिया में ऐसा नहीं है वहां पर डिस्पैरिटीज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दे रखी है ठीक है बैलेंस की अगर हम बात करें तो ब्राजील के अंदर ज्यादा क्या है डिसेंट्रलाइज है ठीक है क्या है ज्यादा डिसेंट्रलाइज उन्होंने चीजों को रखा है उससे क्या रहता है इफेक्टिव चीजें चल रही है ठीक है तो बैलेंस है वहां पे लेकिन बैलेंस हमारा कहाँ पे नहीं है नाइजीरिया के अंदर नहीं है ठीक है क्योंकि वो चैलेंज कर रहा है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है ठीक है इसलिए वो किसको ज्यादा पावर दे रखे है सेंट्रल गवर्नमेंट को क्योंकि नॉर्थ में देखा क्या है मुस्लिम है साउथ में क्या है क्रिश्चियंस है अगर वो ज्यादा पावर किसी स्टेट गवर्नमेंट को दे देते हैं स्टेट गवर्नमेंट कल को डिमांड करे अपना अलग से देश मांगने की तो बोलते हैं नहीं हमको स्टेट सेंटर को ज्यादा पावर देना है ठीक है उसे थोड़े मोटे मिनियोरिटीज भी क्या मांगते हैं डिमांड मांगते हैं थोड़ा सा वहाँ पे इम्बेलेंस है ठीक है तो ये हमने पूरा यहाँ पे कंपेरिजन देखा ठीक है आई होप आपको समझ में आया होगा अगर भी कहीं भी कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना ऐसे तो चीजें समझ में आ गई होगी बिल्कुल ईजी था हमारे यहाँ पे फिडवलिज्म स्ट्रक्चर है और मैंने आपको पढ़ाया हुआ अभी है डीपीएससी वन जीरो टू के अंदर ठीक है सेम कुछ नया नहीं है ठीक है बस आपको कहाँ नहीं देखनी थी कब क्या हुआ है कैसा हुआ है और कहाँ ज्यादा पावर मिली और कहां है और कहाँ किसको ज्यादा डिसेंट्रलाइज करा गया है ठीक है थोड़ा सा ये देखना था बहुत ईजी चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग भी था ठीक है जी सो so, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सो बाय टेक केयर जब तक अपना ध्यान रखें ख्याल रखें और अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगी टेलीग्राम पर और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है जहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकते हो सो बाय टेक केयर ऑल द वेरी बेस्ट